देखो हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं कुछ कनेक्टेड मोशन के। कनेक्टेड मोशन में एक बात तो समझ में आती है कि कोई बॉडी मोशन में होने वाली है, और दूसरी ये समझ में आती है आपस में बॉडीज कनेक्टेड ज़रूर होंगे। तो कनेक्टेड मोशन के अंदर बिल्कुल सही है, नाम सही रखा गया है। इमेजिन करें ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, दो ब्लॉक्स हैं, फर्स्ट ब्लॉक सेकेंड ब्लॉक, और ये मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इन ब्लॉक्स के ऊपर, सच दैट ये 5 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये बनाते जाएं प्लीज़, और फोर्स मैं लगा रहा हूँ 10 N की। ये ड्रॉ करें अपने कॉपी के अंदर, तो ये सब लिखना है आपने और डायग्राम ड्रॉ करते जाएं। तो दो ब्लॉक्स हैं, बीच में स्ट्रिंग है, रस्सी है, प्लीज़ ये रस्सी है, और रेड कलर की रस्सी नहीं है, ये तो मैं ऐसी फोर्स लगा रहा हूँ 10 N, ताकि दोनों बॉडीज राइट की तरफ मूव करें। फ्रिक्शन नॉट टू बी कंसिडर्ड, नहीं लेनी फ्रिक्शन आपने इसमें। आप मुझे ये बताएं, जब मैं इसे खींचूंगा राइट की तरफ तो दोनों ब्लॉक्स राइट मूव करेंगे? फ्रिक्शन तो है नहीं, रुकने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है, मूव तो करना पड़ेगा। दोनों ब्लॉक्स राइट मूव करेंगे, तो ये बताएं दोनों की एक्सेलेरेशन सेम होगी या डिफरेंट होगी, क्योंकि दोनों के मासेस डिफरेंट हैं। डिफरेंट होंगी, एक तेज एक स्लो मूव करेगा, सेम मूव करेगा क्योंकि कनेक्टेड है, सेम मूव करेगा। अच्छा, मतलब अगर मैं ट्रेन लूँ है ना, रेलवे की बात कर रहा हूँ, एक बोगी में सामान भर लूँ, एक में ना भरूँ, तो एक तेज़ भागेगी एक स्लो भागेगी और फिर एक्सीडेंट हो जाएगा? नहीं, कनेक्टेड मोशन है ना, तो कनेक्टेड मोशन में एक ही एक्सलेशन होगी। तो मतलब कि ये इकट्ठे मूव करेंगे, जब ये इकट्ठे मूव करेंगे तो दोनों की एक्सलेशन याद रखना क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो एक्सलेशन सेम है। यार वैसे भी एक तेज़ भागेगा एक स्लो भागेगा, रस्सी में तो बली पड़ जाएंगे, तो मूव कैसे करोगे? रस्सी तो टाइट चाहिए, एकदम खींचने के लिए रस्सी टाइट चाहिए, रस्सी टाइट है तो एक्सलेशन सेम है। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट है, जो स्ट्रिंग है ना, जो रस्सी है वो टाइट हो जाएगी, रस्सी में फोर्स आ जाएगी तभी टाइट हुई। रस्सी की फोर्स को क्या बोलते हैं? टेंशन। टेंशन इज अ फोर्स एंड फोर्स इज अ वेक्टर। अब ये वेक्टर कैसे बनेंगे ध्यान से देखना, 5 kg का ब्लॉक 2 kg की ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रहा है कि तू भी साथ चल, कनेक्टेड मोशन है ना, तो रस्सी के थ्रू फोर्स लगा रहा है यहां पर टी, तो 5 kg के ब्लॉक ने 2 kg के ब्लॉक को फोर्स लगाई टी रस्सी के थ्रू। अब न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, तो अगर 5 kg का ब्लॉक 2 kg को फोर्स लगाएगा टी, तो 2 kg का ब्लॉक 5 kg को भी फोर्स लगाएगा टी, इक्वल एंड ऑपोजिट, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर आपने एक टी बना दिया और दूसरा नहीं बनाया, आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आपने रूल वॉयलेट नहीं करना। न्यूटन का थर्ड लॉ स्टेट्स दैट एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, एक्शन भी बनेगा तो बदले में रिएक्शन भी बनेगा। तो रस्सी के अंदर जो टेंशन बनेगी वो हमेशा पेयर में ही बनेगी, इक्वल एंड ऑपोजिट TNT, एक टी नहीं बनेगा कभी भी, तो बनाओ ये साथ साथ। तो ये फोर्स बनानी आ रही है, कैसे बनाना है, 5 kg ने 2 kg को खींचा तो 2 kg ने 5 kg को खींचा, तो एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो टेंशन की वैल्यू पूरी स्ट्रिंग में सेम है, और स्ट्रिंग रस्सी का मास नहीं लेना निग्लिजिबल है, टेंशन सेम है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब मेरे को इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, मेरे को निकालना है एक्सेलेरेशन की वैल्यू, मेरे को निकालनी है टेंशन की वैल्यू, दो चीज़ें मुझे निकालनी है इसमें क्या होगी। तो पहली चीज़ है, इन टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FBD। तो FBD बनाओ, आपको कई टीचर्स ऐसे बोलते हुए सुनेंगे FBD बना दो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि आप 5 kg ब्लॉक का अलग डायग्राम बनाएं और 2 kg ब्लॉक का अलग डायग्राम बनाएं। ये 5 kg है और ये 2 kg है, पहले देख लें डायग्राम कैसे बनाना है फिर लिख लें। 5 kg ब्लॉक के इमीडिएटली राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कौन कौन सी फोर्सेज हैं यहाँ नोट करें,
5 केजी ब्लॉक के राइट की तरफ इमीडिएटली कौन सी फोर्स है? 10 न्यूटन. और इमीडिएटली लेफ्ट फोर्स कितनी है? टी. बस ये रहा. कोई कहे सर ये भी तो है, वो तो इसकी फोर्स है ना, इमीडिएटली बोल रहा हूँ, इमीडिएटली राइट और लेफ्ट 10 और टी. 2 केजी ब्लॉक के इमीडिएटली राइट फोर्स कितनी है? टी. लेफ्ट पे है ही नहीं. ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम. अलग 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 डायग्राम बनाने को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. अब मुझे पता है ये भी मूव कर रहा है ए के साथ, ये भी मूव कर रहा है ए के साथ. अब बस लास्ट ध्यान से एक चीज़ बोलना, 5 केजी का ब्लॉक कहाँ जा रहा है? राइट. अगर राइट जा रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स राइट है एक लेफ्ट है, कौन सी फोर्स बड़ी है? 10 की टी. 10 बड़ी होगी. ऐसा कैसे पता लगा आपको? क्योंकि ये राइट मूव कर रहा है तो 10 बड़ा है टी छोटा है. न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? बड़ी में से छोटी माइनस. बड़ी कितनी है? 10. छोटी कितनी है? इज इक्वल टू 5 × a. आंसर. तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. फर्स्ट इक्वेशन बना लो. और ऐसे इसके लिए बोलो ये कहां जा रहा है? राइट. राइट की फोर्स क्या है? टी. लेफ्ट की फोर्स क्या है? है ही नहीं. तो क्या बनेगा? टी इज इक्वल टू 2 × a. इक्वेशन नंबर 2 लिख लो. तो बड़ी में से छोटी फोर्स, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहां पर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दो इक्वेशंस. तो अब हम इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं. तो पहली फोर्स क्या है? 10 माइनस टी इज इक्वल टू 5 × a. टी इज इक्वल टू 2 × a. ये ऐड किया तो क्या आ गया? 10 इज इक्वल टू 7 × a. a की वैल्यू कितनी है? 10/7. a आ गया. इस a को उठा के आप यहाँ पे पुट करें तो t की वैल्यू क्या आ गई? 2 × 10/7, यानी कि 20/7 न्यूटन इज द आंसर. समझ में आ रहा है कि आंसर कैसे निकल रहे हैं इसमें? और मजे की बात यह है, पढ़ना क्या है इसको, एक बार आ गया तो आ गया. इसमें कुछ याद, पूरी फोर्स में कुछ याद करके पेपर नहीं दे सकते, सिर्फ प्रैक्टिस करके दे सकते हो, क्योंकि पढ़ोगे क्या उसको रात को बैठ के? बस अभी के अभी हो जाएगा ये. डर समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक. तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसे एक बार ट्राई करें अपने हाथ से करके. ये लो, सपोज दो ब्लॉक्स हैं. फर्स्ट ब्लॉक है स्ट्रिंग है, सेकंड ब्लॉक है. ये मैंने फोर्स लगाई मान लो 50 न्यूटन, ये है मान लो 10 केजी, ये है मान लो 5 केजी. आपको इसमें एक्सेलरेशन ए निकालनी है और आपको टी की वैल्यू निकालनी है. ये क्वेश्चन है. बनाए डायग्राम. पूरा सिस्टम ऑब्वियसली आगे जाएगा विद एन एक्सलेशन ऑफ ए. तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा टेंशन टी एंड टी पेयर में, एक टी ऐसे. तो आपने इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. नॉर्मली फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बार बार डायग्राम बनाने पड़ते हैं. तो मैं नॉर्मली ऐसा करता हूँ ताकि थोड़ा अवॉइड करूँ फ्री बॉडी डायग्राम को. ध्यान से देख लें, मैं ना ऐसे करूँगा. ये देखो, देख रहे हो, ये मेरा पहला FBD है. दोबारा क्या ड्रॉ करना? सर्कल में यही तो बनाओगे. और दूसरा क्या बनेगा? ये बनेगा. देख रहे हो,
पहला दूसरा सही है। तो पहले डायग्राम में ये राइट जा रहा है, अगर ये राइट जा रहा है तो 50 न्यूटन की फोर्स बड़ी और टी की छोटी है, तो नेट फोर्स क्या बनेगी, बड़ी माइनस छोटी इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये लो, क्या पॉइंट क्लियर है, सही। और इसके लिए टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इन्हें ऐड कर दें, 50 इज इक्वल टू 15 है, ए की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय 15, 10 बाय 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ए को उठा के ऊपर पुट कर देना, तो टी 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 न्यूटन इज द आंसर। मेथड समझ में आ रहा है सबको, कोई डाउट इसमें? नेट फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम में इमीडिएट फोर्सेस देखते हैं, वो फोर्स उसकी फोर्स है, ये फोर्स इसकी फोर्स है, तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, बस। ले सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ट्राई करें। ये देखो, सपोज आपके पास ये फर्स्ट मास है, ये आपके पास सेकेंड मास है, ये आपके पास थर्ड मास है, और ये आपके पास ये एक फोर्स है, ये 100 न्यूटन की फोर्स है, ये 5 केजी है, ये 15 केजी है, और ये 2 केजी है, क्योंकि आपस में कनेक्टेड है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सबकी क्या रहेगी, सेम, बना लो साथ साथ। नहीं, रुको, सॉल्व, रुक जाओ, आंसर दो इस क्वेश्चन का। ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, दो रस्सी हैं, ये नहीं है रस्सी, ये वेक्टर है, दो रस्सी हैं जिसे ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं, टेंशन की वैल्यू इसमें और इसमें सेम रहेगी कि डिफरेंट रहेगी, इसमें और इसमें सेम कि डिफरेंट? अच्छा, डिफरेंट वाले डिफरेंट कैसे? अच्छा ये भी बताएं फिर, अगर डिफरेंट है इसमें ज्यादा कि इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा टेंशन है, इसमें कम है, कैसे पता लगा? हाँ सही है, वो कह रहे रस्सी से जाके पूछ लो, जब आपने इस रस्सी से पूछा कहेगा बहुत बुरा हाल है, मैंने कहा क्यों, मतलब बहुत टेंशन है, क्यों टेंशन है, क्योंकि मेरे को तो दो दो ब्लॉक्स को खींचे 17 केजी को, और इससे पूछो तेरा क्या हाल है, वो तो टेंशन कम है, क्यों टेंशन कम है, क्योंकि मेरे को सिर्फ किसको खींचना है, 2 केजी को, तो एक चीज तो पक्का है, टेंशन यानी कि दोनों में डिफरेंट है। अब सोचें अगर मैं ब्लॉक्स पे ब्लॉक्स लगाता जाऊं, बहुत इनफाइनाइट लंबी चेन बना दूं, और सबसे ज्यादा टेंशन किस रस्सी में होगी, जो बिल्कुल पहली रस्सी होगी, उसको पूरी ट्रेन को खींचना है, तो क्वेश्चन आएगा, पूरी ट्रेन बना ली और आपने फोर्स लगाई, सबसे पहले रस्सी टूटेगी कौन सी, पहली, क्योंकि टेंशन सबसे ज्यादा इसी में है, तो यही खींच के टूट जाएगी। तो सोचो ना, एक ट्रक खड़ा है, एक और ट्रक खड़ा है, रस्सी से बंधा हुआ है, आपने तो पहले ट्रक की रस्सी पकड़ी ना खींचने के लिए, पूरे ट्रक खींचने के लिए, तो आपकी रस्सी तो हाथ में आ जाएगी, ट्रक तो खींचा नहीं जाएगा, तो वो रस्सी तो ना टूटेगी, पहले आपकी रस्सी टूट जाएगी फर्स्ट ट्रक की। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ये तो बात एग्री कर रहे हो, टेंशन दोनों में सेम नहीं होगी, तो फिर कैसे बनेगा डायग्राम, ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना, 5 केजी ने 15 केजी को फोर्स लगाई कितनी, T1, तो 15 केजी ने 5 केजी को फोर्स लगाई कितनी, T1, इक्वल एंड ऑपोजिट। चलो यहां देखते हैं, 15 केजी ने 2 केजी को फोर्स लगाई कितनी, T2, और 2 केजी ने 15 केजी को फोर्स लगाई कितनी, T1 रहेगी पेयर में, ये मत कर देना T1 T2, फिर तो समझो पूरी प्रश्न खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, आ ही सकता क्वेश्चन ठीक, आपने रूल ही वॉयलेट कर दिया, कि रिएक्शन रिएक्शन तो इक्वल एंड
ऑपोजिट है, तो यहां टी वन टी वन, यहां टी टू टी टू, यहां टी वन टी टू कभी नहीं होएगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? कोई डाउट इसमें? अगर और कंफ्यूजन होती हो तो एक थंब रूल बता देता हूं, कभी गलती नहीं हो सकता। एक रस्सी एक टेंशन, दो रस्सी दो टेंशन, तीन रस्सी तीन टेंशन। अगर आपने रस्सी का पीस चेंज कर दिया दो ब्लॉक्स में, टेंशन डिफरेंट बनेगी बनेगी, बात ही खत्म है, सेम हो ही नहीं सकती। ठीक है यहां तक? तो ये लो फिर फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। ये पहला, ये देखो इमीडिएटली राइट और लेफ्ट, देख रहे हो? ये दूसरा इमीडिएटली राइट और लेफ्ट, देख रहे हो? ये तीसरा इमीडिएटली राइट और लेफ्ट, देख रहे हो? मैंने तीन डायग्राम अलग अलग नहीं बनाए, वैसे बता दिया कि ये फ्री बॉडी डायग्राम्स हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब यहां से इक्वेशन बनाते हैं। बोलो 5 kg का ब्लॉक कहां जा रहा है, राइट की लेफ्ट? तो राइट की फोर्स 100 बढ़ी कि टी वन बढ़ा? राइट जा रहा है तो 100 बढ़ा। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, नेट फोर्स इज मास इंटू एक्सलरेशन। इक्वेशन नंबर वन, कोई डाउट? नेक्स्ट है 15 kg का ब्लॉक कहां जा रहा है, राइट जा रहा है, तो कौन सी फोर्स बड़ी, टी वन की टी टू? टी वन, क्योंकि राइट जा रहा है तो टी वन बड़ा होगा, टी टू छोटा, तो नेट फोर्स क्या होगी, टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू 15 × a। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? राइट जा रहा है तो राइट की फोर्स बड़ी, और लास्ट इक्वेशन में तो अकेला टी टू है, टी टू इज इक्वल टू 2 × a, थर्ड इक्वेशन। ये लो, तो आप तीनों इक्वेशन को लिखें, 100 माइनस टी वन इज 5 × a, टी वन माइनस टी टू 15 × a, टी टू इज इक्वल टू 2 × a। ऐड करें, सब कट गया। अगर आपकी इक्वेशंस में टेंशन नहीं कटती, आपने सभी इक्वेशन को ऐड करना है, अगर टी कैंसिल नहीं हो रहा आगे मत चलना, आपका क्वेश्चन 100% गलत है। टेंशन पक्का कटेगी कटेगी, क्योंकि एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट है, पक्का कटेगी। तो 100 इज इक्वल टू, ऐड कर लो, कितना हो गया 22a। तो a की वैल्यू आ गई 100 / 2, और a को उठा के यहां पुट कर देंगे तो t2 आ जाएगा, यहां पुट करेंगे तो t1 भी आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व 22, तो यहां सॉल्व कर लोगे a, और यहां a पुट करके t1 t2 आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो एक चीज समझ में आ रही है, ये चैप्टर वैसा नहीं है कि हमने पहले डेरिवेशन की वो, फिर उसका फॉर्मूला आया, फॉर्मूला यूज किया और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ना। ये तो बस कोई थ्योरी नहीं, बस यही कॉन्सेप्ट है फोर्स का। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्लियर? अब कई लेक्चर यही चलेंगे, बस ऐसे क्वेश्चन चलते रहेंगे, लेवल चेंज होते रहेंगे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट टाइप का कनेक्टेड मोशन है। सपोज ये आपके पास एक पुली है, पुली ये टांग दिया आपने, एक स्ट्रिंग है, ये रस्सी है, रस्सी के नीचे दो ब्लॉक्स लगे हुए हैं, फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकेंड ब्लॉक। ये जो रस्सी है ये ऊपर से, ये एक ही पीस है, यहाँ से घूम के यहाँ आ रही है। पुली मासलेस है, पुली का मास नहीं लेना, कभी नहीं लेना, रस्सी का मास नहीं लेना, मासलेस है, सिर्फ ब्लॉक्स का मास है। एक मास है मान लो 15 kg, एक मास है 5 kg, 15 और 5 kg बनाओ साथ साथ। ठीक, अब मुझे फोर्सेस एक्सप्लेन करो प्लीज। पहली फोर्स बताओ, पहली फोर्स 15 kg का मास है, इसका वेट कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, फोर्स इज अ वेक्टर, वेक्टर जरूर ड्रॉ करने हैं। तो पहला वेक्टर नीचे, इसकी वैल्यू बोलो कितनी है, 15 g, जी मीन 9.8, इसका वेट है। उसी तरीके से दूसरी फोर्स, इसका वेट, इसका वेट क्या है, 5 g,
15G, 5G, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रिंग। इस ब्लॉक ने इस पुली को खींचना है बाय अ फोर्स ऑफ टी, तो पुली ने ब्लॉक के ऊपर रिएक्शन लगाना है अ फोर्स ऑफ टी। क्योंकि रस्सी एक ही घूम के आ रही है, पुली का मास तो है नहीं, तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। ये ब्लॉक इसे खींचेगा टी, तो पुली इसे खींचेगी टी। टेंशन चेंज बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि एक ही रस्सी चल रही है, घूम के आ रही है, टेंशन पूरी रस्सी में विल रिमेन सेम। हम 2 महीने के बाद एक क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी नहीं, जिसमें मैं आपको कहूँगा पुली का मास भी ले लो। जब मैं कहूँगा पुली का मास ले लो, याद रखना, अब ये टेंशन T1 हो जाएगी और ये टेंशन T2, क्योंकि रास्ते में एक और ब्लॉक आ गया। ये और ये ब्लॉक की टेंशन अलग, ये और ये ब्लॉक की टेंशन अलग हो जाएगी। वो आने वाले टाइम में ऐसा करेंगे, लेकिन क्योंकि पुली का मास नहीं है, तो सोचो पुली है ही नहीं, एक ही रस्सी घूम के आ रही है। जब पुली का मास ही नहीं तो लेना क्या है? तो एक ही रस्सी घूम के आ रही है, तो एक रस्सी में एक ही टेंशन होगी TNT। हाँ, यहाँ अलग अलग बनाया मैंने, पर टेंशन पूरी स्ट्रिंग में विल रिमेन सेम। सही है? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो पुली वाले क्वेश्चन में कैसे टेंशन बनेगी समझ में आ रहा है? एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, चेंज नहीं करना, T1 T2 T2 नहीं करना, टी करना, एक ही रस्सी है। सही। फ्री बॉडी डायग्राम्स, पहला फ्री बॉडी डायग्राम ये रहा, देख रहे हो, ये रहा इमीडिएटली नीचे और ऊपर की फोर्स, इमीडिएटली नीचे और ऊपर की फोर्स, ये देखो। अब यहाँ लेफ्ट और राइट नहीं है, ऊपर और नीचे है। तो बताओ, ये ब्लॉक नीचे जाएगा विद एन एक्सलेशन ऑफ ए, और ये ब्लॉक ऊपर आएगा विद एन एक्सलेशन ऑफ ए। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक। अब ये 15 kg का ब्लॉक जब नीचे आएगा, तो बोलो नीचे की फोर्स बढ़ी है कि ऊपर की फोर्स बढ़ी है? तो 15G माइनस टी, नेट फोर्स, बड़ी में से छोटी फोर्स, माइनस 15 × A। क्या फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सही है। ये ब्लॉक कहां जाएगा? ऊपर, हल्का है ना, ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो कौन सी फोर्स बढ़ी है? टी की 5G, टी, तो ऊपर जा रहा है तो टी बढ़ी, तो नेट फोर्स बोलो टी माइनस 5G इज इक्वल टू 5 × A। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? दोनों क्वेश्चन 15G, ठीक है यहां तक, 15G माइनस टी, और यहां पर टी माइनस 5G, इन्हें ऐड करें, TNT कैंसिल, अच्छी बात है। अगर ना कैंसिल होता तो बुरी बात है, क्वेश्चन गलत है। इसी पता लग जाएगा ये क्वेश्चन सही है गलत है। अगर कैंसिल हो गया पक्का सही है, कैंसिल, अगर हल्की सी भी गलती है टेंशन कैंसिल नहीं होगी। ठीक, तो ऐड करो 15G माइनस 5G इज इक्वल टू 20A, यानी कि 10G इज इक्वल टू 20A, यानी कि A इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाई 2। G तो 10 होता है, 10/2 5, तो एक्सेलरेशन आ गई। इस एक्सेलरेशन को जहां मर्जी ऊपर पुट कर दो, टेंशन की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्या रूल लगेगा इसमें? कुछ नहीं कर रहे, फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं, फिर बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस कर रहे हैं, और बड़ी में से छोटी फोर्स माइनस करके मास इंटू एक्सेलरेशन कर रहे हैं।